हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई रेसिपी लेकर आई हूं। रेसिपी बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आज हम बनाने वाले हैं स्वीट डिश। स्वीट डिश में आज मैंने हलवा बनाने वाली हूं। तो चलिए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं और देखते हैं किस चीज़ का आज हम हलवा बनाने वाले हैं। गैस पर मैंने कढ़ाई को रख दिया है। आधा कटोरी मैंने आटा लिया है। अब हम इसे लो फ्लेम पर भूनेंगे या मीडियम फ्लेम पर आप भून सकते हैं। हाई फ्लेम पर नहीं भूनेंगे क्योंकि हाई फ्लेम पर हमारा आटा जल जाएगा और अच्छा अंदर तक नहीं भुनेगा। मैंने एक स्पून बड़े स्पून के में घी लिया है। घी की क्वांटिटी मैं कम रख रही हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा घी का हलवा नहीं चाहिए, तो इसके लिए मैंने क्वांटिटी को कम रखा है। यदि आप चाहें तो हलवे की क्वांटिटी घी की क्वांटिटी को आप बढ़ा सकते हैं यदि आपको ज़्यादा घी का यूज करना है। तो लीजिए, अब इसे भी हम मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे। हलवा आटा हम तब तक भूनेंगे जब तक हमारा गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। तो देखिए इस तरह से हम आटे को भूनकर तैयार कर लेंगे। गोल्डन ब्राउन हमारा आटा देखिए हो चुका है। अब हम इसे एक मिनट तक और भूनेंगे। उसके बाद हम इसमें अपने ड्राई फ्रूट डालेंगे। ड्राई फ्रूट जो आपको पसंद हो वो आप डाल सकते हैं। मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट, मिक्स ड्राई फ्रूट लिए हैं और थोड़े से मैंने काजू और बादाम को हल्का सा रोस्ट कर लिया था। इन्हें मैं कच्चा ही डाल रही हूँ। काजू बादाम मेरे रोस्टेड हैं तो उन्हें भी हम इसमें डाल देंगे और ऐसे ही एक मिनट तक भून लेंगे क्योंकि थोड़े सी जो मैंने कच्चे डाले थे वो भी अच्छे से भून जाएंगे। तो इस तरह से हम भून कर तैयार कर लेंगे। पानी मैंने पहले ही बॉयल करने के लिए रख दिया था। और जो मैं अब ये मीठा इसमें यूज कर रही हूँ, ये मैं खांड यूज कर रही हूँ। हम चीनी का हलवा नहीं बना रही हूँ मैं, क्योंकि हम चीनी यूज नहीं करते हैं तो इसलिए मैं चीनी का हलवा नहीं बना रही हूँ। मैं हर चीज़ में खांड या गुड़ शक्कर ही यूज करते हैं। पानी भी देखिए हमारा अच्छे से बॉयल हो चुका है। एक दो मिनट तक हम इसे फिर से चलाएंगे और अपना पानी जो हमने इसमें डालना है उसे इसे में डाल देंगे हलवे में। और पानी की क्वांटिटी हमें अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि किसी को हलवा टाइट पसंद होता है और किसी को पतला। मुझे पतला हलवा पसंद है तो मैं पानी की क्वांटिटी अपने हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा रखूँगी। यदि आप इसमें मेजरमेंट के हिसाब से रखेंगे तो यदि आपकी 100 ग्राम सूजी है तो आपको 100 ग्राम घी यूज करना है और आपको 300 ग्राम इसमें पानी का यूज करना है यदि आपको टाइट हलवा चाहिए। और यदि आपको पतला हलवा चाहिए सूजी का या आटे का तो आप 400 ग्राम पानी इसमें 100 ग्राम में यूज कर सकते हैं। परफेक्ट हमारा मेजरमेंट ये ही बैठेगा होगा। तो चलिए हलवा भी हमारा बिल्कुल अब देखिए पक चुका है, गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसे 2 मिनट के लिए गैस पर ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि थोड़ा सा और हमारा टाइट हो जाए हलवा। गैस का फ्लेम हमने बंद कर दिया है। हलवा हमारा देखिए टाइट हो चुका है। तो आप इस तरह से आटे का हलवा बना सकते हैं। मेजरमेंट आप किसी आटे का या सूजी का किसी का भी रखेंगे वो सबका सेम ही होगा। सूजी में थोड़ा सा मेजरमेंट ज़्यादा हो जाता है पानी का। तो अब हम एक बाउल लेंगे और बाउल में हलवे को निकाल कर तैयार कर लेंगे। तो आप इस तरह से सूजी का, बेसन का या आटे का हलवा बनाकर खा सकते हैं। सर्दियों में आप आटे का हलवा खाएं तो बहुत अच्छा होता है या बेसन का हलवा बहुत अच्छा बनता है। तो इस तरह से आप बेसन का हलवा या सूजी का, आटे का तैयार कर सकते हैं। तो लीजिए हमारा आटे का हलवा बनकर तैयार है। आई होप आपको मेरे आटे के हलवे की रेसिपी पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।